मधुबाला, जैसा नाम वैसी सूरत, वैसी काया और बिल्कुल वैसा ही काम। घर से लड़ झगड़ के चल पड़ी सिनेमा की चकाचौंध दुनिया में खुद को प्रूफ करने, ये जानते हुए भी कि इसमें मुश्किलें कितनी हैं। मगर मुश्किलों से ज्यादा जिसे खुद पर यकीन हो, ऐसी ही है हमारी आज की किरदार मधुबाला। मुंबई इतने बड़े शहर में किसी तरह रहने खाने का बंदोबस्त तो हो गया, पर फिल्मों में एंट्री मिले तो कैसे। मधुबाला दिमाग की बहुत तेज थी, उसने खोज निकाला रास्ता अपनी कामयाबी का। अपने हुस्न के जलवे से डांस क्लासेस में डांस सिखाने वाले कुणाल को पटा लिया और उससे फिल्मी पार्टीज में ले जाने का रोज दबाव डालने लगी। वैसे इतनी खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले जाना किसको पसंद नहीं होगा। मधुबाला के हुस्न पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है। मधुबाला कुणाल के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में शिरकत करने लगी। वहाँ कई फिल्म के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसरों से वह कुणाल के जरिए मुलाकात करती रही। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस मधुबाला के सुनहर भविष्य का ताला खुलने का समय भी आ गया था। जितिन एक फिल्म डायरेक्टर का दिल मधुबाला पर आ गया। उसने बतौर हीरोइन मधुबाला को फिल्म में काम दिया और धीरे धीरे मधुबाला सिनेमा की दुनिया की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हो गई। ठंड का मौसम था, सुनहरी धूप निकली थी। जितिन बाबू की कार रुकती है, मधुबाला के साथ वो लॉन में कॉफी का आनंद लेने लगते हैं। बातों बातों में जितिन बाबू मधुबाला से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। मधुबाला भी शायद यही चाहती थी। फिर क्या, जमाने की मशहूर अभिनेत्री और मशहूर डायरेक्टर चुपके से शादी के जोड़े में बंध जाते हैं। हनीमून के बाद लौटते वक्त मधुबाला को जितिन बाबू जब मधुबिला की तरफ ले जा रहे होते हैं तो मधुबाला आश्चर्य में पड़ जाती है। तब जितिन बाबू कहते हैं, अगर हमने अपनी शादी सबको बता दी तो तुम्हारा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि जब तक छुपा सके हमें अपनी इस शादी को छुपा कर रखना चाहिए। इस तरह कुछ वर्ष बाद मधुबाला जितिन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तभी दोनों को अपना स्टूडियो बनाने का विचार आता है। दोनों अपना सारा पैसा स्टूडियो में लगा देते हैं। स्टूडियो चलने लगता है, इधर मधुबाला को पुत्र पैदा होता है। मगर अचानक स्टूडियो में शूटिंग के दौरान आग लग जाने से जितिन काफ़ी झुलस जाता है। जितिन का इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है। मधुबाला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे तैसे वो खुद को, अपने बच्चे और स्टूडियो को संभाल लेती है। एक दिन मधुबाला टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है, तब पता चलता है कि मधुबाला स्टूडियो का नाम बदला जा रहा है। वो तुरंत भागकर स्टूडियो पहुंचती है और कर्मचारियों पर बरस पड़ती है। तब पता चलता है कि स्टूडियो के मालकिन वो नहीं बल्कि जितिन की कानूनन पत्नी का अधिकार रखने वाली जयंती है। यह झटका तो जितिन के मरने से भी बड़ा था। यानी जितिन ने मधुबाला को इतने दिन धोखे में रखा, उसने ना सिर्फ अपने शरीर का बल्कि उसके पैसों का भी इस्तेमाल किया। क्या जितिन ने वाकई मधुबाला को धोखा दिया? क्या वो ऐसा कर सकता था? अब इन सवालों का क्या फायदा? इन सवालों का जवाब जो शख्स दे सकता था वो अब इस दुनिया से जा चुका था। मधुबाला की तो दुनिया ही लूट चुकी थी, सामने सिर्फ अंधेरा था। कमाए सारे पैसे डूब चुके थे। फिल्मी दुनिया में उसके नाम के रोज नए नए जोक बनाए जा रहे थे। मधुबाला के साथ जो हुआ था वो अधिकतर लड़कियों के साथ होता ही रहता है, परंतु मधुबाला उन अधिकांश लड़कियों जैसी नहीं थी। वो अलग थी, उसमें हौसला था, उसमें धैर्य था, उसमें जुनून के साथ साथ खुद पर भरोसा था। कुछ दिनों के गमों के बाद उसने वापस स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़कर वो फिर सिनेमा जगत के पहले पायदान पर एक बार फिर काबिज हुई। दोस्तों, इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराया। गलतियां हर इंसान से होती है,
पर जो लोग अपनी पिछली गलतियों को दोहराए बगैर पूरे उत्साह के साथ निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी जीत पक्की होती है। आज मधुबाला अपने बेटे अंश के साथ खुश है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी मधुबाला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक अपने दोस्त कुमार अभिषेक को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।